नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आरसीबी टीम के 3 बेहतरीन खिलाड़ियों को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है। इसके बारे में हमारी आज की ये वीडियो होने वाली है। सारी जानकारी आपको आगे इस वीडियो में दूंगा। तो भाई, अगर आप भी आरसीबी टीम के फ़ैन हो, विराट कोहली के फ़ैन हो, वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए आए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा कर रख लीजिए, ताकि ऐसे ही हर एक अपडेट आपको आरसीबी टीम से जुड़ी लगातार मिलती रहे। भाई दोस्तों, ओनली आरसीबी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। अगर उसे ज्वाइन नहीं किए हो तो याद से ज्वाइन करके रख लीजिए। वहाँ भी आपको आरसीबी टीम से जुड़ी और क्रिकेट की हर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लगातार मिलती रहेगी। तो भाई, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, फटाफट जाइए और जाकर उसे ज्वाइन कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। IPL 2023 से ठीक पहले आरसीबी टीम के लिए बड़ी खुशखबरी यहाँ पर उनके स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को लेकर। सिराज का शानदार फॉर्म जारी है। ODI में जिस तरह से वो 2022 से गेंदबाजी कर रहे हैं, उसे देखते हुए आरसीबी टीम मैनेजमेंट और सारे ही फैंस आरसीबी टीम के बहुत ही खुश होंगे। खासकर दोस्तों, आरसीबी टीम मैनेजमेंट, जिन्होंने उन्हें IPL 2023 के लिए रिटेन कर लिया था, अब उन्हें ये कंफर्म हो गया है कि सिराज को रिटेन करके उन्होंने कोई बड़ी गलती नहीं की है। क्योंकि जिस तरह का उनका फॉर्म है, जिस तरह से गेंद को स्विंग करा रहे हैं, डेथ में गेंदबाजी कर रहे हैं, उसे देखते हुए आरसीबी टीम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और IPL 2023 में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव गेंदबाज साबित होने वाले हैं टीम के लिए। खासकर स्टार्टिंग के ओवर्स में जिस तरह से स्विंग कराकर विकेट्स निकाल रहे हैं, वो टीम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है 2023 में। तो भाई, सिराज ने ODI सीरीज़ में शानदार गेंदबाजी की। आखिरी ODI में तो उन्होंने कमाल कर दिए, 4 विकेट हासिल किए, वो भी स्विंग कराते हुए लगातार स्टार्टिंग के ओवर्स में ही। इसके बाद दोस्तों, दूसरी बड़ी खुशखबरी यही है विराट कोहली को लेकर, जिन्होंने आखिरी ODI मैच में भी सेंचुरी लगाई। 166 रनों की शानदार पारी खेली उन्होंने, वो भी बेहतरीन फॉर्म में है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आरसीबी टीम को ओपनिंग में अच्छी शुरुआत देने वाले हैं 2023 में। इसके बाद दोस्तों, आखिरी खुशखबरी यहाँ पर टीम ने जिस गेंदबाज को अपने स्क्वाड में शामिल किया था ऑक्शन से, उसको लेकर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिस टोपली की। रिस टोपली फिलहाल जो है साउथ अफ्रीका T20 लीग में खेल रहे हैं और वहाँ पर शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। टोपली बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, तो ऐसे में आरसीबी ने उन्हें अपने स्क्वाड में शामिल किया था। टोपली इंग्लैंड टीम के लिए काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर चुके हैं, अब साउथ अफ्रीका T20 लीग में खेल रहे हैं IPL से पहले, तो वहाँ भी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। टोपली के पास स्टार्टिंग के ओवर्स में अच्छी खासी स्विंग है, डेथ ओवर्स में अच्छी खासी यॉर्कर्स डालते हैं, स्लोअर रन्स डालते हैं, तो वेरिएशन काफ़ी अच्छी है। इसी वजह से आरसीबी टीम ने इन्हें अपने स्क्वाड में शामिल किया था। तो ये थे कुछ खबरें टीम से जुड़ी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।